हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई चिकन, और ये कढ़ाई चिकन खा के आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बार बार यही चिकन बनाएंगे और सारे चिकन भूल जाएंगे। तो कढ़ाई चिकन आप इस तरह से बनाइए जैसे आज मैं बता रही हूँ। मैं दावा करती हूँ कि आप इस कढ़ाई चिकन को बनाने के बाद बाकी सारे तरह के चिकन खाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों इस चिकन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन को धो लेना है अच्छी तरीके से, और इसको मैरिनेट कर लेना है हमें एक घंटे के लिए। इसमें हमने लहसुन पीसा हुआ डाला है और नमक हल्दी, बस इन तीन चीज़ों को मिला करके आप इसको एक घंटे के लिए रख दें और बस ये मैरिनेट हो गया। अब जो दूसरा काम करना है दोस्तों वो हमें फ़ौरन के लिए चाहिए होगा, ये कुछ खड़ी मसाले। तो ये कुछ खड़े मसाले आप लेंगे फ़ौरन के लिए। तो ये तेज़पत्ता है जैसा कि आप देख रहे हैं, सूखी लाल मिर्च है, कुछ जीरे हैं, लौंग, इलायची और काली मिर्च और जावित्री है, और बड़ी इलायची अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अभी हमारे पास नहीं है इसलिए मैं उसे नहीं डाल रही हूँ। चलिए तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। जितना आपका चिकन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सरसों का तेल डालें। 1 kg हमारा चिकन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब जो भी हमारे खड़े मसाले हैं उन सभी को हम फ़ौरन के अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए सारे मसाले हमारे खड़े मसाले पक रहे हैं। इसको चटकने देंगे अच्छी तरह से। जब सारे अच्छी तरह से चटक जाएंगे तब हम इसमें अगली चीज अपनी डालेंगे। ये मेरा 1 kg चिकन है दोस्तों, तो इसके हिसाब से मैंने प्याज डाला है। ये मेरा 1 kg से थोड़ा कम है। इसमें मैंने दोस्तों 1/2 kg से थोड़ा अधिक प्याज लिया हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और प्याज को आपको थोड़ा सा भुनना है। अब ये हमारा दोस्तों देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा भुन चुका है। इसे बहुत ज़्यादा हमें रेड नहीं करना है कि बिल्कुल भून के रेड कर दें, हल्का हल्का बस थोड़ा सा भुनना है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने पहले भी चिकन में सॉल्ट वगैरह डाल रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डालें। और ये हम डाल रहे हैं मीट मसाला, एवरेस्ट का मीट मसाला मैं इसमें डालती हूँ हमेशा। तो ये 2 बड़े चम्मच एवरेस्ट के मीट मसाले मैं डाल रही हूँ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी दोस्तों रेड चिली पाउडर यानी कि मिर्ची तीखेपन के लिए, और मैं डालूंगी ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। दोस्तों ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है मिक्सर ग्राइंडर में पीस के, और इसे हम प्याज में डालेंगे। तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गया हमारा दोस्तों। इसमें जो हम अगली चीज यूज करने वाले हैं वो है हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चलिए अपने चिकन को हम इसमें डालते हैं।
ये थोड़ा सा पानी जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था तो उसमें थोड़े मसाले लगे थे तो मैंने इसको भी डाल दिया। इस तरह से आप भी थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें और इसके बाद इसको आप पकने दें स्लो हीट करके। इसको ढक दीजिए प्लेट से और स्लो हीट करिए और इसे पकने दीजिए आधे घंटे के करीब। बीच बीच में आप इसे जरूर चलाते रहें। देखिए दोस्तों, हमने इसमें पानी नहीं डाला है फिर भी कितना ज़्यादा चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है। मामूली सा पानी आपने जैसा कि देखा था कि डाला था, फिर भी इतना सारा चिकन ने पानी छोड़ रखा है। तो इस तरह से आपका चिकन जो प्याज का है ना, उसी में पक के रेडी हो जाएगा। इसको आप बीच में इस तरह से मिक्स करते रहिए, पलटते रहिए ताकि चारों तरफ से इक्वली ये पक जाए। दोस्तों अब ये हमारा कढ़ाई चिकन देखिए बन करके रेडी है और ये अब पूरी तरह से पक चुका है। ये आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि ये हमारा चिकन पका है कि नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से ये चिकन टूट जा रहा है और अब ये हमारा चिकन अच्छी तरह से पक करके रेडी हो गया है। इस कढ़ाई चिकन को दोस्तों आप खा सकते हैं रोटी और चावल के साथ। तो दोस्तों आप इस कढ़ाई चिकन को एंजॉय करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक खाते रहिए खिलाते रहिए। Yeah.